जब भी कोई पार्टी होती है तो वो चंदे में भी सबसे आगे रहती है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले SBI ने डाटा जारी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड सब क्या है जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, तो आपको लगता है बीजेपी ने ये गलत किया? बीजेपी ने सही किया, तो जिसने जो पैसा दिया वो तो अपने अकाउंट से दिया उन्होंने पैसा, वो सामने क्लियर पोजीशन आ गई कि हाँ पैसा ये हमने दिया है, वो सामने, ये पहले वाला राज नहीं है कि पैसा लिया और खा गए, पैसे लिए खा गए। जो ये दूसरे लोग है ना, ये कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, सब रोजगार खत्म कर रहे हैं। JPSC का देखो क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है, सारे पेपर लीक, सब पेपर में पैसे खाते, एक आदमी 30-30 लाख रुपए लेके पेपर लीक करता है, सब चीजें इन्होंने सब खत्म कर रखा है, सब खत्म कर रखा है। दूसरी ये सब अलीबाबा 40 चोर है, चोर है सिर्फ मोदी, मोदी है बस, मोदी मोदी है। अगर मोदी जी चद्दर ओढ़ के घर में सो जाए तो भी 450 पार सीटें आएंगी, अगर नहीं एक रैली नहीं भी करे तो भी 450 सीटें मोदी जी की है। आज मोदी जी से बाहर के विदेशी जितनी ताकतें सारी मिलने के लिए त्रस्ती है। देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल है, हर एक पार्टी अपने अपने नए दावे कर रही है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आए पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा गांधीनगर में। गांधीनगर एक ऐसी विधानसभा के साथ मार्केट भी है जिसका नाम देश और दुनिया में गूंजता है, क्योंकि गांधीनगर होलसेल और कपड़ों की सबसे ज़्यादा माने जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे पूर्वी दिल्ली के लोग किसे वोट देंगे, कौन सी पार्टी इस बार कामयाब होगी और किस पार्टी का उम्मीदवार संसद में जाएगा। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार। सर इस समय बड़े बड़े दावे प्रतिदावे हर नेता कर रहा है और कह रहा है कि हम नौकरियां देंगे, हम बिजनेस देंगे, हम जो चाहते हैं लोग वो देंगे, तो मानते हैं ये सब आप? ये तो जी जब तक इलेक्शन होते हैं, जब तक वादे होते हैं, उस इलेक्शन खत्म होने का कोई वादे सब टूट जाते हैं। सर आज कांग्रेस ने भी अपना जो है घोषणा पत्र जारी किया और ये कहा हम 30 लाख नौकरियां देंगे जी। इससे आगे कह सकते हैं, अब देखो पढ़ा लिखा घर बैठा है, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिली, आगे के वादे क्या पूरे करेंगे? ये देखो ना, महंगाई इतनी हो गई है, जो भी सरकार आएगी वही अपना मोर्चा संभालेगी, वादे पूरे करेगी, फिर वो भी हट लेगी। सर इस समय आप देख सकते हैं सियासत के गलियारों में बहुत शोर मच रहा है कि इस बार राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। भाई जो जैसा बंदा होगा वो आदमी उसी को वोट देगा, जो ठीक ठाक करेगा माहौल को, महंगाई को कम करेगा, आदमी उसी के पीछे भगेगी नहीं। सर इस बार बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार खड़े हुए हैं, तो किस पार्टी को वोट करें? जो मन करेगा उसे वोट डाल देंगे, जो अच्छा लगेगा, जो काम अच्छा करके दिखाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार तायल। विनोद जी आप जानते हैं देश भर में जब भी लोकसभा का वक्त आता है तो सियासत के गलियारों में लोगों को लुभाने की कोशिशें की जाती है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी काबिज होने वाली है? पार्टी तो एक दो ही आती है जी, एक दो ही पार्टी आती है, लुभाए सबको। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी को। मोदी को क्या कारण है सर? इसलिए बनाएंगे कि वो टिका हुआ है, जो दूसरे को बैठाएंगे वो खजाना देखेगा पहले, किधर से किधर करना है माल, किधर से किधर, उसको पता है कि खजाना कितना करना है। सर EVM को लेकर भी बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग है वो EVM की जगह बैलेट पेपर पर कराई जाए। वो जो भी मर्जी कराओ पर तो मोदी को लेकर आओ, मोदी को लेकर आएंगे। सर आप एक युवा है, युवा की क्या पसंद है, कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? मोदी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी। मोदी के ऐसे कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? है? मोदी के काम बड़े लगते हैं। कोई 3 काम बताइए युवा के रूप में, आपको 3 काम कौन से अच्छे लगते हैं? पहला राम मंदिर बनाया, ठीक है जी, दूसरा काम लड़कियों की सेफ्टी मिल गई, तीसरा काम नोटबंदी टच की। सर मकान बना के दिए मोदी। हाँ वो सब कुछ दिए उनने, सब कुछ दिए उनने बिल्ली। सर आप सभी व्यापारी है और गांधीनगर खास तौर पर व्यापारियों के नाम से जानी जाती है, तो आपको लगता है व्यापार में बढ़ोतरी हुई है या व्यापार में कमी आई है? व्यापार सुस्त चल रहा है, व्यापार में अभी जान नहीं चल रही, गिने चुने आदमियों के पास काम है, हम लोग उनको देखते रहते, वो हमें देखते रहते, काम आगे चल रहा है। तो सर आप जानते हैं जब भी कोई पार्टी होती है तो वो चंदे में भी सबसे आगे रहती है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले SBI ने डाटा जारी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड सब क्या है जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, तो आपको लगता है बीजेपी ने ये गलत किया? कैसे देखते हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड? बीजेपी ने सही किया, तो जिसने जो पैसा दिया वो तो अपने अकाउंट से दिया उन्होंने पैसा, वो सामने क्लियर पोजीशन आ गई कि हाँ पैसा ये हमने दिया है, वो सामने, ये पहले वाला राज नहीं है कि पैसा लिया और खा गए, पैसे लिए खा गए। जो ये दूसरे लोग है ना, ये कह रहे हैं हम रोजगार खत्म, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, सब रोजगार खत्म कर रहे हैं। JPSC का देखो क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है, सारे पेपर लीक, सब पेपर में पैसे खाते, एक आदमी 30-30 लाख रुपए लेके पेपर लीक करता है, 40-40 लाख रुपए, बच्चों का भविष्य कहाँ है, लाखों, एक बार
एक बार अगर एक बच्चा एक एग्जाम निकलता है, मान लो सपोज करो एक बिहार का निकला, उसके अंदर 15-20 लाख बच्चे जाते हैं, कितना बच्चों का पैसा खर्च होता है? एक बच्चा एवरेज नहीं 20,000 रुपये खर्चा लेके चलता है, वो अपना मकान दुकान बेच बाच के उसका बाप उसके पूरे पैसे खर्च करता है, और फिर जाता है वहाँ पे पेपर में बैठता है, बाहर आता है कहता है पेपर लीक, क्या कहाँ का ये बच्चों का भविष्य है? सब चीज़ें इन्होंने सब खत्म कर रखा है, सब खत्म कर रखा है। दूसरी ये सब अलीबाबा 40 चोर हैं, अलीबाबा 40 चोर, हाँ ये सब अलीबाबा 40 चोर है, सिर्फ मोदी मोदी है, बस मोदी मोदी है, मोदी 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 मोदी। अगर मोदी जी चादर ओढ़ के घर में सो जाए तो भी 450 पार सीटें आएंगी, एक भी रैली ना करे, रैली में पैसे नहीं, 450 पार अगर नहीं एक रैली भी नहीं करे, एक रैली नहीं भी करे तो भी 450 सीटें मोदी जी की है। आज मोदी जी से बाहर के विदेशी जितनी ताकतें सारी मिलने के लिए त्रस्ती हैं। जब कोविड चला था तो इन्होंने 65-65 जगह सिलेंडर बेचा, इन्होंने पब्लिक को लाखों आदमी को मरवाया, जिसके घर से बंदा गया उसको पता है कि उसको कितना दुख है आज भी। बताओ इसने सीएनजी की इन्हें स्टेटमेंट क्यों दी, कहता मेरे पास आज ऑक्सीजन गैस नहीं है, 2 दिन की गैस रहेगी, आज कहाँ गए वो लाखों आदमी मरा, लाखों आदमी मैंने अपनी आंखों से देखा, एक एक मुर्द घाट के अंदर 500-500 आदमी सड़कों पड़े हुए थे। सर दिल्ली सरकार के कामों को कैसे देखते हैं? 2012 से लगातार कोई भी काम नहीं है, सड़कें देखो आप, सीवर देखो, कोई चीज देखो, कोई काम नहीं है, सिर्फ ये कागजी कार्रवाई है और कुछ कोई काम नहीं है। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं भाई? 125 में 2 क्वार्टर दे रहे थे फ्री के चक्कर में, नुकसान हो रहा, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई जूते उतार रहा, सासी जो ब्लैक में बेचते हैं वो 200 रुपए का क्वार्टर बेच रहे हैं, केजरीवाल से नुकसान ही नुकसान, लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली के चक्कर में जेब कतरियां चल रही हैं, भीड़ भड़क्के में ये फ्री सेवा नहीं हो रही, बसों में बस खराब हो जाती है भाई उतर जाओ, और बस खराब नहीं होती वो फ्री सेवा की होती है। लेकिन दिल्ली सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है ना कि हम 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, कोई दावा करा राम मंदिर खड़ा हो गया, कोई दावा करा अपना आप ही बनते जय श्री राम सुन रहे हो आप तो हर बार भैया मोदी आएगा जय श्री राम, हर बार मोदी आने वाला भी मोदी और रहेगा मोदी। और सर राहुल गांधी के भी बड़े बड़े, कौन राहुल गांधी कोई नहीं जानता है, मोदी 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 कौन राहुल गांधी नहीं जानते भाई मोदी। कौन सा नेता आपका मनपसंद है? मोदी मोदी सर, लेकिन वो तो बड़े बड़े आरोप लगाते हैं कि अब जैसे आपने विपक्षी बात सुनी होगी, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है मोदी, वो तो पब्लिक का काम है भाई करने का, हम नहीं ले रहे, ये भाई ये हमारे चाचा हैं हिंदू हैं तो क्या हुआ, हम भाईचारे में ले रहे हैं। तो सर आप एक मुस्लिम युवा के रूप में मोदी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर गांधीनगर मार्केट में हम मौजूद हैं, इन सभी व्यापारियों का लोगों का कहना है कि 2014 से ज़्यादा लहर 2024 में देखने को मिलेगी, 400 पार का जो दावा बीजेपी की ओर से जो किया जा रहा है वो पूरा होगा, देखना होगा 4 जून को जो मैंडेट आएगा उसमें क्या होता है। गांधीनगर से लाइव रिपोर्ट, मेरे साथ मेरे कैमरामैन खुशीलाल के साथ चिराग जैन, दिल्ली।